गुड मॉर्निंग क्लास 10th ए, वेलकम बैक टू अवर लिटरेचर पीरियड। इन अवर लिटरेचर अवर चैप्टर मैडम राइट द बस इज रनिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर पार्ट 3। स्टूडेंट आई हैव कंप्लीटेड पार्ट 2nd यस्टरडे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई पार्ट 3। हर फर्स्ट जर्नी वॉज केयरफुल, पेनस्टेकिंग, एलबरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। उसकी पहली यात्रा कितनी सावधानीपूर्वक, मेहनत से, बड़ी योजना से इसे तैयारी करनी पड़ी थी। हर फर्स्ट जर्नी, जो उसकी पहली जर्नी थी, वॉट केयरफुल, कितनी सावधानीपूर्वक, कितना कष्ट सहकर यानी पेन लेकर और कितनी शानदार तरीके से योजना बनाकर, शी हैड टू मेक फॉर इट, उसे सब करके इसकी तैयारी करनी पड़ी थी। कहते हैं सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्टेट क्वाइंस कम हर वे, रिस्ट्रिक्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स टॉय बैलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। क्या कहती है कि जितने भी सिक्के उसके पास आए थे उससे उसने सावधानीपूर्वक खर्च ना करके उन्हें बचाए थे, एंड पिपरमिंट खिलौने गुब्बारे खरीदने के लालच को रोक करके, और उसके अंत में उसने 60 पैसे बचाए थे। क्या हुआ कि बहुत ही मित्रता से उसने बचाए थे जो सिक्के बचे हुए थे, और उसने अपने लालच को रोका था, टेम्पटेशन वाले लालच को रोका था टू बाय, किससे रोका था, पेपरमिंट की जो टाफी आती है उनको खरीदने से अपने को रोका, खिलौने खरीदने से रोका, बैलून्स और भी और जो चीज़ें थी उन सबको उसने खरीदने से रोका था, तब वो जाके 60 पैसे बचा पाई थी। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड सोली स्टिप्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। कहती है कि कितना मुश्किल था कि विशेषकर गांव के मेले वाले दिन, परंतु उसने बड़ी दृढ़ निश्चयता से झूले पर बैठने की इच्छा को टाल दिया था, हालांकि उसके पास पैसे थे, क्योंकि उसने कंट्रोल करके अपने पैसे बचाए थे। जब गांव के मेले में जब वो गई तो उसने गांव के मेले में पैसे झूले वगैरह में खर्च ना करके उसने बचाए थे। तो कह रहा है कि कितना मुश्किल था विशेषकर गाँव के मेले में, मेले वाले दिन उसने बड़ी दृढ़तापूर्वक झूला ना झूलने की यानी झूला में बैठने की इच्छा को टाल दिया और उसने अपने पैसे बचाए। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब वो पर्याप्त पैसा बचा चुकी, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स बैक नॉलेज। अब जब उसने पैसा पर्याप्त बचा चुकी तो उसको ये अगली समस्या ये तैयार थी कि बिना माँ को पता चले घर से बाहर कैसे निकला जाए। कहते द हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर कैसे निकला जाए विदाउट हर मदर्स बैक नॉलेज, बिना उसकी माँ के पता चले। बस सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन ये भी उसने सब इसने ये भी सब चीज़ें जो है मैनेज कर लिया बिना किसी परेशानी के। एवरी डे प्रत्येक दिन आफ्टर लंच दोपहर के बाद उसकी माँ जो थी वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 or 2 hours, सो कि उसकी माँ 1 या 2 घंटे के लिए सो जाती थी। हर दोपहर में खाना खाने के बाद उसकी माँ 1 या 2 घंटे के लिए सो जाती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आर्स फॉर हर एग्जर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ द हाउस। और जो लड़की जो थी, बल्ली जो थी, वो अपना ये जो समय ये घंटे थे उसे किसमें प्रयोग में लाती थी, अपने मनोरंजन के प्रयोग में लाती थी, डिस्कर्शन माने मनोरंजन के प्रयोग में लाती थी। ऐसी लुक लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, क्योंकि वो दरवाजे से बाहर देखा करती थी, खिड़की से बाहर देखा करती थी। एंड समटाइम्स कभी कभी सी वेंचर्ड आउट इन टू द विलेज टू लिव, और कभी कभी वो गांव से बाहर भी निकल जाती थी, और समटाइम्स कभी कभी इवन वेंचर्ड आउट इन टू द विलेज, और वो गांव से बाहर भी चल जाती थी। दीज सम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज इन्हीं घंटों को वो घर से बाहर मनोरंजन के लिए प्रयोग करने जा रही थी। मतलब जा क्या रही थी, वो सोच रही थी कि हम जा सकते हैं। जो मम्मी उसकी सो जाती थी तो वो अपना खिड़की से बाहर, घर के बाहर दरवाजे से देखा करती थी, कभी कभी गांव में निकल जाती थी, तो वो इसीलिए अपने उन घंटों का प्रयोग जो है वो पिकनिक के लिए या अपने मनोरंजन के लिए उस बाहर जाकर प्रयोग कर सकती थी। द बस रोड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस बेयर लैंडस्केप,
अब जो बस जो थी वो कभी कभी भूखंड से होकर गुजरती थी, कभी छोटे छोटे कस्बों से होकर गुजरती थी। हर बस रोड और न्यू कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, कभी कभी लैंडस्केप से गुजरती थी। नाउ रसिंग थ्रू आर्टनी हेमलेट, और कभी 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 एक छोटा सा गांव है उससे होकर गुजरती थी। पास एंड और वे साइड शॉप, और यहाँ पर किनारे किनारे पर कस्बों में पास पास कभी कभी पास पास के दुकानों के पास से भी होकर उसकी बस गुजरती थी। मतलब कभी निकलती थी, कभी मतलब जो है खंडहरों से निकलती थी, कभी दुकानों के पास से निकलती थी। वो जहाँ उसको जैसे समझ में आता था वैसे बस निकलती थी। सम टाइम्स द बस सीम्स टू ऑन द पॉइंट ऑफ वॉबलिंग अप एन अदर व्हीकल्स, और कभी कभी तो बस जो थी उसकी एक एक दूसरे वाहन को ऐसा लगता था जैसे अब टकरा जाएगी, लेकिन वो बचकर निकल जाती थी, टकराती हुई दिखती थी जो उनकी ओर आ रहा होता था। ऐसा लगता था कि टकराती हुई बस निकल रही है उसके बिना। हाँ आगे देखिए तो उसको समटाइम्स द बस सीम्स एट द पॉइंट ऑफ वॉबलिंग अप एन अदर व्हीकल्स दैट वॉज कमिंग टूवर्ड देम और पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग द रोड, और जो है क्या कहते हैं कि और जो बस जो आती थी वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड और उनके पास से होकर निकलती थी जो पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहे होते थे। बट लुक somehow it passed on smoothly leaving all obstacle safely behind, लेकिन वो हर तरीके से सुरक्षित होकर बड़े आराम से उन सब बाधाओं को पार करते हुए निकल जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड देम बट देन स्टॉप एज द बस रीच देम, लेकिन जो पेड़ थे वो रनिंग टूवर्ड ऐसा लगता था उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन देन स्टॉप एज द बस रीच देम, लेकिन जब बस उनके पास पहुंचती थी तो पेड़ जो थे वो ऐसा लगता था अपनी जगह खड़े हैं। जब बस चलती थी तो लगता था पेड़ साथ साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन जब बस खड़ी होती थी तो लगता है पेड़ अपनी जगह स्टॉप हो गए हैं। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर मोमेंट असाइड ऑफ द रोड, और सड़क के किनारे ऐसा लगता था जैसे असहाय होकर खड़े हैं। बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, बिना किसी दूसरी दिशा की ओर मुड़े, और ऐसा लगता था कि जैसे कि सभी मतलब कि ऐसा लगता था कि जो पेड़ है वो दौड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन जब बस रुकती थी तो लगता चुपचाप शांतिपूर्वक अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, असहाय से एक किनारे खड़े हुए हैं। सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, अचानक जो वैली जो थी वो खुश होकर ताली बजाने लगी। ये यंग काउ, एक छोटी सी गाय जो थी, छोटी सी गाय, टेल हाई इन द एयर, इसकी पूंछ हवा में ऊपर उठाई हुई थी, और वाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल कहाँ आ गई, बस के बिल्कुल इन फ्रंट आ गई, सामने आ गई। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, जो बस जो थी वो स्लोड टू अ क्रॉल, जो बस जो थी वो बिल्कुल रेंग रेंग कर धीरे धीरे से चलने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर जो था उसने बहुत धीरे धीरे से बार बार हॉर्न दे रहा था, लेकिन गाय जो थी वो हट नहीं रही थी, और ड्राइवर जो था वो बीच बीच में हॉर्न दे रहा था बहुत धीमे धीमे से बार बार। बट द मोर हॉन्क द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकम एंड द फास्टर इज गैलोप्ड, कहता पर जितना वह हार मिलाता था जानवर उतना ही डर रहा था और तेजी से दौड़ रहा था। कहते हैं कि एंड और वो बस सदा और बस के सामने जितना वो हार मिला रहा था वैसे वो गाय थी बस के सामने सामने घूम रही थी, दौड़ रही थी। समहाउ किसी तरीके से दिस वॉज वेरी फनी टू वैली, वैली के लिए ये सब चीजें बहुत ही मजाक की थी, बहुत ही खुशी होने की थी, आनंददायक थी। सी लॉफ्ड एंड लॉफ्ड अंटिल देयर वॉज टीयर्स इन हर, हंसती रही कब तक हंसती रही, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए तब तक वो हंसती ही रही, आंसू आ गए। हाय लेडी हैव नॉट यू लॉफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि हाय लेडी, है लड़की, क्या तुम अब हंस चुकी हो, बहुत हंस चुकी हो, हैव यू नॉट लॉफ्ड कंडक्टर, अभी तुम पर्याप्त हंस नहीं चुकी हो। कंडक्टर ने कहा बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अब कल के लिए बिल्कुल बचा कर रखो, क्या कहा ड्राइवर ने, अब कल के लिए बिल्कुल बचा कर रखो। लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में गाय जो थी वो सड़क के किनारे हो गई। एज मुझे सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और तुरंत बस जो थी वो रेल रोड के पास क्रॉसिंग पे आ गई। आई स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस,
और दूर से आती हुई गाड़ी एक डिब्बे जैसी दिखाई दे रही थी। आ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, काफी दूरी पर गाड़ी के डिब्बे दिखाई दे रहे थे। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, वो और जैसे ही बड़े दूर से बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे गाड़ी के डिब्बे, लेकिन जैसे गाड़ी नजदीक आ गई वैसे वो बहुत बड़े बड़े डिब्बे दिखाई देने लगे। देन इट रश पास द क्रॉसिंग गेट विच इज ट्रिमेंडस रोर एंड रैटलर रैटल शेकिंग द बस, कहते हैं। और जो ट्रेन जो थी वो बहुत तेजी से गरजती हुई क्रॉसिंग के गेट से बहुत तेजी से आवाज करती हुई और खड़खड़ाती हुई बस को हिला, जो इतनी तेज आवाज से क्रॉसिंग के गेट से खड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। देन इट रश पास द क्रॉसिंग गेट, क्रॉसिंग के गेट के पास लग गई विद ए ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल, बहुत तेज आवाज करती हुई एंड शेकिंग इन द बस, बस को हिलाती हुई इतनी तेज ट्रेन की आवाज थी कि ट्रेन की आवाज जब पास से होकर गुजरती है तो आसपास के खड़े लोग एकदम हिल जाते हैं, तो ऐसे बस को भी हिलाती हुई जैसे वो आगे बढ़ गई स्टेशन से। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स अ बिजी वेल लेड शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इन टर्ड अवॉइडर थॉरफेयर, कहते हैं कि और वो ट्रेन जो थी वो आगे बढ़ गई। अब जो है वहाँ पर एक व्यस्त सज्जित दुकानों वाली गली से होते हुए, मतलब एक बहुत ही भीड़ युक्त गली जो कि ये दुकानें से सजी हुई जो गली थी उससे होती है, एक चौड़े रास्ते में बस जो थी वो प्रवेश कर गई। जैसे बस जो थी इधर उधर दुकानें सबके बीच की गलियों से होती हुई मेन रोड पर आ गई और इतनी बड़ी और चमकदार दिखने वाली जो दुकानें थी, आगे देखिए कहते हैं सच बिग ब्राइट लुक्स, बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर दिखने वाली दुकानें थी। व्हाट बिटवीन डिस्प्ले ऑफ द क्लॉथ्स एंड द अदर मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड्स, और कितनी बड़ी बड़ी वो दुकानें थी जो कि बहुत ही चमकदार दिखाई दे रही थी और उनमें कपड़े जो थे वो डिस्प्ले के लिए टंगे हुए थे और बहुत सी सामान जो रहती थी जो डिस्प्ले के लिए टंगे हुए थे। स्टॉप डंप विद वंडर वैली गैप्ड एट एवरीथिंग एंड देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वैली, क्या कहते हैं, आश्चर्य से शांत होकर वैली हर चीज को देख रही थी। वैली जो थी स्टॉप डंप विद वंडर, आश्चर्य से बिल्कुल शांत होकर हर चीज को देख रही थी। वैली गैप्ड एट एवरीथिंग, और हर चीज को देख रही थी। देन द बस स्टॉप एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वैली, फिर बस रुकी हर कोई उतर गया लेकिन वैली जो थी वो नहीं उतरी बस से, क्योंकि उसे वापस घर जाना था ना, उसी बस से सेम बस से उसे वापस घर जाना था, तो केवल वैली को छोड़ के सब लोग उतर गए। हाय लेडी सर द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा आर नॉट यू रेडी टू गेट, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक यू, आप तुम अपने ऐसा है 30 पैसे जो तुमने दिए थे 30 पैसे तक तुम यहीं तक, मतलब यहीं पर उतर जाओ क्योंकि तुम्हारे 30 पैसे जो थे वो यहीं तक के लिए थे। कहता है क्या कहा कि एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक यू, 30 पैसे तुम्हें यहीं तक लेके आए हैं, यानी यहीं तक कि तुम्हारा 30 पैसे किराया हुआ है। नो वैली 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 सर वैली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी। सो टूक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, इसलिए उसने एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, फिर उसने 30 पैसे उसने अपनी जेब से निकाले और किसको देने लगी और उस कंडक्टर को देने लगी। व्हाई इट इज समथिंग द मैटर, क्यों ये बात क्या है, मतलब कंडक्टर समझ नहीं पा रहा था। कंडक्टर कहता है कि अरे बात क्या है, नो नथिंग इज द मैटर, कोई बात नहीं है, क्या कहता क्यों क्या बात हो गई, तो कहता नहीं कोई बात नहीं है, आई एम जस्ट फेल लाइक हैविंग द बस राइड दैट इज, कहते मैं बस की सवारी फिर करना चाहती हूँ। उसे कहा डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइट, कहते क्या ये तुम्हारे वो पूछता है क्या ये नज़ारे नहीं देखना चाहती है, अब जबकि तुम यहाँ आ गई हो, जब कह रहा जब तुम बस में यहाँ तक आ गई हो तो यहाँ का नज़ारा देखो। तो कहता है कि डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर, जब तुम यहाँ तक आ गई हो तो उतर के बस से यहाँ का नज़ारा देखो। तो कहती ऑल बाय माय सेल्फ, क्या कहती है, कहती है नहीं नहीं हम ये सब देख चुके हैं। ओह आई हैड बी मच टू अफ्रेड, मुझे बहुत डर लगता है, क्या कह रही नहीं 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 हम इतना सब देख चुके हैं, ओ मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की की इस तरीके से बात करने के उससे आनंदित होकर द कंडक्टर ने कहा बट यू आर अफ्रेड टू कम इन द बस, कहती यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस में आने में तो बिल्कुल नहीं डर रही थी, अब तुम्हें यहाँ का नजारा देख के क्यों डर लग रहा है, बस में जब आई थी अकेले तब तो तुम्हें कोई डर नहीं लगा था। तो कहती है कि नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, से आंसर उसने दिया इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं।
Well, then why not you go to sell that star over there and have everything to drink? कहती है तुम क्यों नहीं उन स्टार पे जाती हो और कुछ पीने खाने के लिए ले लेती हो. Nothing to be afraid to about that either. यहाँ पर तो कुछ डरने की कोई बात ही नहीं है. Oh no, I could not do that. नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. Well, then let me bring you a cold drink. अच्छा तब आप मेरे लिए एक ठंडा पेयजल ले, मतलब पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ. कहती नो आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है. जस्ट डू मी माई टिकट दैट्स ऑल, अब मुझे मेरा टिकट दे दीजिए बस और कुछ नहीं. मेरे पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए पैसे नहीं है. तो इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. तो कहता है ठीक, अच्छा मेरी तरफ से तुम्हारी पार्टी होगी, ट्रीट होगी और क्या कहते हैं तुम्हें कुछ देना नहीं होगा एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, और तुम्हें कुछ पैसे नहीं दे. चलो मेरी तरफ से तुम्हारी ये पार्टी हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी. और कहती है कि नो 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 सी सर फर्मली, उसने भी रखा था प्लीज नो नहीं, बिल्कुल नहीं. द कंडक्टर स्टॉप, अब जो कंडक्टर था वो उसकी बात मतलब मान गया. एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन टू रिटर्न जर्नी. और उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि वापस जाने का काम हो गया. अगेन देयर वॉज नॉट मैनी पैसेंजर, क्योंकि वहां पर और अधिक यात्री. अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, फिर वहां पर और ज्यादा यात्री नहीं थे. अब बच्चों आया है पार्ट फोर्थ. पार्ट फोर्थ तो बच्चों हम कल आपको पढ़ाते हैं पार्ट फोर्थ. ओके क्लास, थैंक यू. आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे, तो आप लोग आधे क्वेश्चन आंसर इसके लिखिएगा और आधे क्वेश्चन आंसर कल के लिए होमवर्क में होगा. ओके क्लास, थैंक यू.